लंबित मांगों के समर्थन में माध्यमिक शिक्षकों ने बुधवार को हुंकार भरी। शिक्षक डीआईओएस कार्यालय पर एकत्र हुए और धरना देकर मांगों की शासन स्तर से हो रही अनदेखी पर रोष व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के बैनर तले आयोजित धरने में शिक्षकों ने एक स्वर से कहा कि उन्हें नई पेंशन व्यवस्था स्वीकार नहीं। एनपीएससी शिक्षक के वृद्धावस्था में उस जीवन स्तर के साथ जीवन यापन करने योग्य नहीं है जिस जीवन स्तर पर वो सेवानिवृत्त हो रहा है। ऐसे में सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करे। शिक्षकों ने निशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ दिए जाने की मांग भी दोहराई। शिक्षकों ने कहा कि महंगाई भत्ते की जो कटौती की गई है उन किस्तों को वापस किया जाए और महंगाई भत्ते को पूर्ववत बनाए रखा जाए। स्थानांतरण की नीति पर जोर देते हुए कहा कि स्थानांतरण नीति में आवश्यक संशोधन कर ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि शिक्षक अपनी सुविधा के अनुसार स्थान पर स्थानांतरण कर सके। महिला शिक्षकों को अनुमन्य अवकाश की सुविधा को अनिवार्य रूप से अनुमन्य कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग जोर शोर से उठाई गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री को संबोधित 16 सूत्रीय मांग पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक देवी सहाय तिवारी को सौंपा गया। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो संघ आंदोलन तेज करेगा। धरने में जिलाध्यक्ष सुशील कुमार पांडे, जिला मंत्री पंकज श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष संजय कुमार, चंद्र प्रकाश मिश्र, ऋषि कुमार मिश्रा, मनोरमा, प्रभा सरीन, अनुराग दीक्षित, राजेश शुक्ला, शिव पूजन, मनु शर्मा, कौशल कुमार यादव सहित तमाम शिक्षक शामिल हुए। अध्यक्षता संरक्षक अवधेश दीक्षित ने की। अगर ये ऐसा आप नहीं करते हो तो मैं घोषणा करता हूँ, विधायक नरेश सिंह वर्मा के शब्द है, लिखित पत्र है, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो मैं नरेंद्र सिंह वर्मा विधायक महमूदाबाद ये घोषणा करता हूं कि मेरी एमएलए की पेंशन और इससे संबंधित जो भी पेंशन मुझे आगे भविष्य में भी अगर दे हो तो मैं उसका त्याग करता हूं। नेतृत्व कर रहे संघ जिलाध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने आई इंडिया को बताया कि संघ की मांगे लंबित हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये धरना हमारे प्रांतीय नेतृत्व के निर्देशानुसार है। काफ़ी समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं उसमें, तो उन समस्याओं को लेकर जैसे उसमें एनपीएस जो नई पेंशन स्कीम लागू है उसको हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारी जब रिटायरमेंट का हो जाएगा तो उसमें उस जीवन शैली से शिक्षक हमारा नहीं रह पाता है जिस जीवन शैली में वो शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत रहता है, तो वो पेंशन व्यवस्था समाप्त करके पुरानी पेंशन व्यवस्था हमारी लागू की जाए। और इसके अलावा उसमें प्रमुख मांग ये है कि जो हमारे शिक्षक 2005 के पहले के चयनित हैं और किसी प्रशासनिक प्रक्रिया में विलम्ब से कार्यभार ग्रहण हुए हैं 1 अप्रैल 2005 के बाद में, उनको भी पुरानी पेंशन व्यवस्था से आच्छादित किया जाए। हमारे यहाँ जो एनपीएस में जो कटौतियाँ हो रही हैं उनका अंशदान नियमित रूप से नहीं जा रहा है उनके संबंधित शिक्षकों कर्मचारियों के खातों में, तो वह अंशदान नियमित रूप से जमा कराया जाए और हमारे इन एनपीएस से आच्छादित शिक्षकों का लेजर मेंटेन हो। हाँ, ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को 18 सूत्री ज्ञापन आज हम सौंप रहे हैं। पहले 16 सूत्री था, दो मांगे और उसमें बड़ी हैं, और इसमें प्रमुख मांग एक और है जो ये विद्यालय की समयावधि हमारी शिक्षा संहिता के विरुद्ध है 8 घंटे की, लगभग उसमें 8.5 घंटे का समय लगता है, उसको समाप्त करके जो हमारे अधिनियम में वर्णित व्यवस्था है 8 बजे से 1 बजे तक की या 9 बजे से 3 बजे वाली 5 घंटे 20 मिनट और 4 घंटे 35 मिनट की, वही व्यवस्था हमारी पुनः लागू की जाए, क्योंकि इसमें शिक्षकों पर बहुत भार पड़ रहा है, डबल पीरियड उनको लेने पड़ते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।